आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को ठाणे के कल्याण डोंबिवली लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात करने के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस कदर जमकर निशाना साधा है। सर गौर करिए, मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। राहुल जी देश के टुकड़े करने वालों के साथ है या देश को आगे बढ़ाने वालों के साथ और बचाने वालों के साथ है? वो चेहरा सामने आया है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आज उसी यात्रा में शामिल है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू तो कर ही दी हैं, जिसे लेकर बीजेपी अब तक के मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज के ब्यौरे के साथ उन्हें सफल बताते हुए कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर बीजेपी की ही जीत होने का दावा कर रही है। जिसे लेकर मंत्री ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी संगठन, मोदी सरकार के कामकाज और जनता के आशीर्वाद से हमें पूर्ण बहुमत मिला है। बीजेपी एनडीए के गठबंधन ने 272 से बढ़कर 300 सीट जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मोदी सरकार के कामकाज ने और जनता के आशीर्वाद के कारण 272 से बढ़कर 303 सीटें भाजपा एनडीए गठबंधन की आई। पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अनुच्छेद 370-35 से जिसका दर्द और जिसके कारण हजारों लोगों की जानें भी गई, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था उसे मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुस्लिम बहनों की मांग ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया। वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और अगले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। यही नहीं, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया, कोविड-19 पेंडेमिक का। ये देश और दुनिया के लिए चुनौती थी, लेकिन जब कुशल नेतृत्व हो और दुनिया भर में भारत का कोविड प्रबंधन एक उदाहरण के रूप में देखा गया। वहीं भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ आने और शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने के मीडिया के सवाल पर बात करते हुए मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए की स्थिति को एक अनार सौ बीमार बताया। बिहार में केसीआर और नीतीश कुमार उठक बैठक करने में लगे हैं, जहां दो लोग एक साथ नहीं आ सकते। यह पूछते हुए कि घटक दल एक साथ कैसे आ सकते हैं, भले ही सभी एक साथ आ जाएं फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। विपक्षी सरकार का सपना सिर्फ संगीत कुर्सी बनकर रहने का है। एक अनार सौ बीमार, ये विपक्ष की परिस्थिति। आपने देखा केसीआर जी और नीतीश जी उठक बैठक लगी थी। अब दो लोग ही एक दूसरे की ना सुनते, वहां पे 24 घटक दल क्या करेंगे? वहां घटना ही घटेगी, घटक दल कुछ नहीं कर पाएंगे। म्यूजिकल चेयर वाली बात थी। भारत जैसा देश जिसने मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखा हो, आज़ादी के 75 वर्ष में मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। आपदा के समय भी आप पिछले 75 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, देश में एक प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हुए पिछले कई वर्षों में जिन्होंने कहा ताली बजाओ तो ताली बजी, थाली बजाओ तो थाली बजी, कहा दीपक जलाओ दीपक जला, कहा वैक्सीन लगाओ तो देश के लोगों ने विश्वास करके 200 करोड़ वैक्सीन लगाई। आत्मनिर्भर को भारत को बनाने की कल्पना सामने रखी तो भारत को आगे बढ़ने का पूरा प्रयास देश के लोगों ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाया।